तो चलिए अब हम इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है मोटिवेशन, जिसमें हम यह जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को पढ़ने का आखिर मोटिव क्या है। बच्चों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ डोमिनोज कंटिन्यूअसली एक के बाद एक गिर रही हैं, यानी डोमिनोज के गिरने के कंडीशंस हो सकते हैं। अगर क्यू में खड़ा सबसे पहला डोमिनो गिरता है और जब क्यू के बीच में कोई भी डोमिनो गिरता है तो वह अपने से बाद वाले डोमिनो को गिराएगा। इस प्रकार डोमिनो के गिरने की प्रक्रिया जारी रहती है। हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को चेक कर लिया और पाया कि यह स्टेटमेंट वैलिड है। इसी कंसेप्ट को हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, जिसमें हम दिए गए स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए दो केस लेंगे और उन्हें प्रूव करेंगे और ये वैलिडेट करेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में जान लेते हैं, जो हम इस चैप्टर में काफी यूज करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में, खासकर एलजेब्रा में, हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स या स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एन के टर्म्स में रिटर्न होते हैं, जहां एन कोई नेचुरल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला यह होता है, या फिर ये इनइक्वलिटी वेयर 2 की पावर एन इज ग्रेटर देन एन गिवन है। तो ऐसे रिजल्ट्स या स्टेटमेंट्स को ही मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम वैलिडेट या प्रूव करते हैं। अब हम इंडक्टिव सेट के बारे में जान लेते हैं, जिसका यूज भी आगे होने वाला है। इफ वन बिलोंग्स टू सेट एस एंड एक्स प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट एस, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट एस, देन सेट एस इज कॉल्ड इंडक्टिव सेट। इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन, वेयर वन बिलोंग्स टू एन। वी कैन सी दैट टू प्लस वन विच इज इक्वल टू थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू एन, एंड टू एंड थ्री बोथ नंबर्स बिलोंग्स टू सेट एन। मतलब सेट एन इंडक्टिव सेट कहलाता है और हम इसी सेट के एलिमेंट्स यानी नेचुरल नंबर्स का यूज इस चैप्टर में करने वाले हैं। सपोज हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम की सीरीज गिवन है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम यह प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि यह सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में है, जिसका पहला टर्म ए वन इक्वल टू वन है और कॉमन डिफरेंस डी भी वन के ही इक्वल है। हम इसका सम कैलकुलेट करने के लिए Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिससे सम Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू मिलता है, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमें यह मिल जाता है। इस प्रकार हमने फॉर्मूला का यूज करके एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इवेल्युएट कर ली है, जो कि n के टर्म्स में है। अब जरा आप सोचिए, अगर हमें यही आइडेंटिटी गिवन हो और हमें यह चेक करना हो कि यह ट्रू है या फॉल्स, देन हम क्या करेंगे? क्या हम इस आइडेंटिटी को n की प्रत्येक वैल्यू के लिए चेक करेंगे, या कोई और मेथड है इसे वैलिडेट करने का? जी हां बच्चों, हम ऐसे प्रॉब्लम्स को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है।